जो स्वच्छ रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। इस बार लिरिसिस्ट एंड राइटर प्रसून जोशी आए स्वच्छ भारत कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ, कई सेलेब्स के बाद अब प्रसून जोशी ने भी उठा लिया है झाड़ू और वो पहुंचे मुंबई की एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में सफाई करने के लिए। एक कोशिश है कि जमीन पर जाकर के भी खुद अपने हाथ में झाड़ू उठा के काम करना चाहिए, हर एक को ये दायित्व उठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये और लोगों को भी प्रेरित करेगा कि उनको अपने आसपास की जो जगह हैं उनको साफ रख के अपने बच्चों को खेलने के मैदान अगर दें। वैसे लिरिसिस्ट प्रसून जोशी ने इस कैंपेन का एंथम भी लिखा है और यहाँ उन्होंने इस एंथम को गाया भी। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा। वेल, तो ये रहे प्रसून जोशी प्रमोटिंग क्लेनलीनेस। उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स की ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मन अपना साफ जरूर रखें, मन के दर्पण को जरूर चमका के रखें, लेकिन साथ साथ जो है अपने परिवेश को भी साफ रखें, अपने घर को भी साफ रखें, अपने आसपास के कॉलोनी को, अपनी गलियों को, अपनी सड़कों को, अपने देश को, उसको भी साफ रखें।